सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल टैग विद संजय को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, तो फिर से हम लोग आ गए हैं और एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। तो मैं आपको दिखा के बताता हूँ क्या चीज़ है। तो यहाँ पर मुझे एक ईमेल आया है, कल आया था ये ईमेल। तो यहाँ पर जो है मेरा एक वीडियो पे जो है कॉपीराइट क्लेम किया हुआ है। तो ये कॉपीराइट जो है मेरा ये जेब पे डिपॉजिट मनी नॉट क्रेडिटेड टू अकाउंट, ठीक है। तो इसमें इस वीडियो में जो है मुझे कॉपीराइट आया है, ठीक है। तो ये कॉपीराइट है, ओनली कॉपीराइट है, ये स्ट्राइक नहीं है, आपका चैनल में कोई स्ट्राइक नहीं आया है, फिर भी यहाँ पर कॉपीराइट का क्लेम यहाँ पर किया गया है। तो क्लेम जो किया है यहाँ पर आपको आ रहा है कि भाई फुगा एग्रीगेशन का जो है उसने क्लेम किया है। तो मेरा वीडियो में ऐसा कुछ कंटेंट है जो भाई इसका चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लेम किया गया है। तो भाई यहाँ पर आपका चैनल में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप जो है इसको किस तरह से जो है ठीक कर सकते हो, इसको इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये जो है फुगा एग्रेशन, ये नए नए यूट्यूबर जो होते हैं उन लोगों को जो है इस तरह से जो है मतलब अपना रेवेन्यू शेयर करने के लिए बोलते हैं। तो भाई ये पैसे के लिए होता है, पैसे खाने का चक्कर में, तो इसे फेक कॉपीराइट किया जाता है। और मेरा जो ये वीडियो है इसमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं है कि भाई इसका हो, ठीक है। तो ये मेरा खुद का कंटेंट था, फिर भी यहाँ पर जो है कॉपीराइट आ चुका है। तो इसको जो है आपको ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले अपना क्रिएटर स्टूडियो में जाना पड़ेगा। तो ये मेरा जो है क्रोम ब्राउज़र में मैंने खोला हुआ है, ये होम पेज है मेरा। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पर ऊपर में कि भाई यहाँ पर कॉपीराइट है। तो यहाँ पर आप व्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कॉपीराइट जो है निकल जाए दिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यानी मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है ये मार्क आपको दिया गया है, ये मार्क जो है कॉपीराइट का है, ठीक है। तो इसी मार्क पर जो है उन लोगों ने क्लेम किया है कि भाई यहाँ पर जो भी है वो उन लोगों का चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने ऐसा कोई यूज़ नहीं किया है, और यहाँ पर जो भी मैंने म्यूजिक यूज़ किया हुआ है वो जो है आपका कॉपीराइट फ्री है, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कॉपीराइट ऐसा मिलना नहीं चाहिए। वो जो है NCS का गाना मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ठीक है, फिर भी मुझे कॉपीराइट आ गया है, कोई बात नहीं। तो इसको किस तरह से ठीक करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, ओके, सेलेक्ट एक्शन। तो सेलेक्ट एक्शन पर चले जाइए और यहाँ पर आपको रिप्लेस सॉन्ग जो है आप सिंपली रिप्लेस सॉन्ग कर दीजिए, क्योंकि आपको अगर इसको डिस्प्यूट करना है तो आपको बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। तो उससे अच्छा भाई आपको सॉन्ग ही रिप्लेस कर दो, वही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आपको रिप्लेस सॉन्ग का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन जो है। तो यहाँ पर आपको रिप्लेस सॉन्ग पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है नहीं, ये देखिए रिप्लेस सॉन्ग का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। तो आप यहाँ पर रिप्लेस सॉन्ग पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर जो ये देखिए ये लाल जो आ रहा है इधर में, ये है आपका कॉपीराइट वाला, ठीक है। अभी आप यहां से कोई से भी एक जो है गाना यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो, ये जो है आपका यूट्यूब का तरफ से दिया गया है। तो यहां पर जो है आपका चांस ही नहीं है कि भाई कॉपीराइट आएगा। तो कोई सा भी गाना आपको अगर पसंद है तो आप यहां से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए मैं देखता हूँ। तो चलिए मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने इसको ऐड कर दिया है, देखिए अभी इसको क्लोज़ कर दीजिए। तो ये जो है अभी मेरा यहाँ पर देखिए जितना मेरा कॉपीराइट था उतना जो है ये मैंने नया गाना यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। और पहला वाला जो है जो कॉपीराइट मुझे दिया गया था उसको मैंने हटा दिया है और अभी ये नया वाला यहाँ पर आ चुका है। अभी आपको करना क्या है, सिंपली जो है इसको जो है सेव कर देना है। ऊपर में आपको सेव का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको इसको सेव कर देना है। यहाँ पर देखिए रेडी टू रिप्लेस सॉन्ग, यस सेव कर दो, हो गया आपका काम। तो देखिए ये मेरा जो है गाना अभी जो है मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है, अभी आपको कोई इशू नहीं होगा। आपको जो है यहाँ पर वीडियो मोनेटाइजेशन का जो यहाँ पर अभी नॉट अफेक्टेड आ रहा है, देखिए अभी नॉट अफेक्टेड आ रहा है, ठीक है। और ये भी जो है आपका चेंज हो जाएगा कुछ देर बाद, जो है आपको मोनेटाइज का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा और आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका काम। बस इतना सा ही करना है, बहुत ही सिंपल है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। बहुत ही सिंपल सा है, इस तरह से करो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत ही जल्द जो है ठीक हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।